क्या IQOO Z7 Pro 25,000 के नीचे बेस्ट गेमिंग फोन है? गेमिंग तो होती रहेगी, सबसे पहले आ जाते हैं इसके कैमरा पे। दो कैमरे हैं इसमें, जिसमें से सबसे पहला है 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस OIS के साथ। नेचुरल लाइटिंग में ह्यूमन सब्जेक्ट्स की फोटोज काफी बढ़िया ले लेता है ये। हाँ, स्किन टोन्स थोड़े से बेटर हो सकते थे, ऐसा लगता है कि ये जबरदस्ती गोरा करने की कोशिश करता है स्किन को। पर अगर आप अपने कमरे के अंदर बैठे हो आर्टिफिशियल लाइट में, तब भी इसका कैमरा काफी अच्छी खासी फोटोज ले लेता है। हाँ, आर्टिफिशियल लाइट में थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है फोटोज और डिटेल्स भी थोड़ी कम हो जाती है, पर ओवरऑल फोटोज काफी बढ़िया आती है। हाँ, कलर्स को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है ये, और फोटोज में HDR थोड़ा सा बेटर हो सकता था, लेकिन प्राइस के हिसाब से सही है। पोर्ट्रेट फोटोज की अगर आप शौकीन हो तो नेचुरल लाइट के अंदर ही लेना, आर्टिफिशियल लाइट के अंदर भी अच्छे खासी पोर्ट्रेट फोटोज ले लेता है ये, लेकिन उसमें थोड़े से एजेस यानी कोने मिस कर देता है ये, थोड़े ना ब्लर हो जाते हैं वो। दूसरा कैमरा है इसका 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, जिसकी बात करने का कोई फायदा नहीं है। फ्रंट कैमरा है इसका 16 मेगापिक्सल का, जो सच में काफी अच्छा है। नेचुरल लाइटिंग के अंदर ये सेल्फीज बहुत बढ़िया लेता है, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट में आते ही बहुत सॉफ्ट हो जाती है सेल्फीज। जैसे इस सेल्फी के अंदर देखो, मेरे फोरहेड पे एक भी पिंपल नहीं नजर आ रहा, जबकि भरे पड़े हैं। और फ्रंट कैमरा से वीडियो की बात करें तो, और ये भाई इसके फ्रंट कैमरा से ऐसी वीडियो क्वालिटी आती है। आज थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, तो आपको माइक का भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। मैं बिल्कुल भी इसकी ऑडियो बूस्ट वगैरह एडिट नहीं करने वाला हूँ। हाँ, लेकिन रात में ना सेल्फीज ना लेना ही बेटर है। लेकिन मेन लेंस इसका रात के अंदर भी बहुत बढ़िया फोटोज लेता है। और ये पीछे दो कैमरास के साथ ये रिंग लाइट वाली फ्लैश भी दी हुई है, अगर किसी को अभी भी अपने टिकटॉक वाले शौक पूरे करने हो तो। पर काफी अच्छी फ्लैश है, सॉरी ऑरा लाइट। मेन लेंस से वीडियोस बनाने के लिए दो मोड्स हैं, पहला जिसमें स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी है, और दूसरा जिसमें स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ करके अगर वीडियो बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा हिलती है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन स्टेबिलिटी ऑन करके अगर बनाओगे तो वीडियो थोड़ी सी क्रॉप जरूर हो जाएगी, लेकिन स्टेबिलिटी तो अंत की आ जाएगी। पर एक बात जरूर है भाई, 24,000 का फोन है ये, तो इसके अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा तो होना चाहिए था, 8 मेगापिक्सल का ही सही। वैसे ये फोन एप्पल या सैमसंग का नहीं है, तो इसमें फोन के साथ ना डब्बे के अंदर और भी काफी सारी चीजें मिलती हैं। डब्बे के टॉप फ्लोर पे सबसे पहले आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा ये फोन, जिसका प्लास्टिक हटाने में बहुत मजा आया। उसके बाद एक प्लास्टिक का कवर, जो अगर आप ऑफलाइन मार्केट से लेने जाओगे तो 100-125 का मिल जाएगा, ऐसी क्वालिटी है, पर फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी है कवर की। उसके बाद मिलता है vivo का अडैप्टर। अडैप्टर तो 80 वॉट का है, लेकिन ये सपोर्ट 66 वॉट्स करता है। 24,000 के हिसाब से तो 66 वॉट्स की चार्जिंग बहुत बढ़िया है। और हमने इसका चार्जिंग टेस्ट किया तो इसे शून्य से शतक पहुंचने में 35 से 40 मिनट लगे। बस अब 3-4 शतक विराट भाई के बल्ले से भी आ जाए इस वर्ल्ड कप में तो मजा ही आ जाएगा। और फोन को चार्ज करने में हमने यूज की है Type-A to Type-C वाली केबल, जो डब्बे के अंदर ही आई थी फोन के साथ। काफी अच्छी क्वालिटी की तार है भाई, काफी अच्छी खासी मोटी तार है। और चार्जिंग के टाइम उतना गर्म नहीं होता है फोन, बस थोड़ा सा वार्म होता है, तो हीट मैनेजमेंट भी बढ़िया है इसकी। डिस्प्ले पे आए तो काफी बड़ी डिस्प्ले है इसकी, और साथ ही में कर्व डिस्प्ले भी है, जो फोन की लुक को सामने से देखने में बहुत सुंदर बना देती है। मुझे कर्व डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा पसंद होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें एकदम फ्लैट डिस्प्ले पसंद आती है, जैसे गेमर्स। और सच बताऊं तो जो कर्व डिस्प्लेज होती है ना, उनके स्क्रीन गार्ड और टेंपर्ड ग्लास वगैरह बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऑफलाइन मार्केट में। लेकिन इसकी डिस्प्ले के बारे में एक थोड़ी अजीब चीज है, यह है तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, और सेटिंग्स में इसके तीन ऑप्शन है। सबसे पहला अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, जो अपने आप 60 से 120 के बीच में इसका रिफ्रेश रेट ऊपर नीचे करता रहेगा, जिससे बैटरी लाइफ बेस्ट मिलेगी। दूसरा ऑप्शन है या फिर इसे 60 हर्ट्ज पे लॉक कर दो, और तीसरा ऑप्शन 120 हर्ट्ज पे लॉक कर दो। जब मैंने इसे 60 हर्ट्ज पे लॉक किया ना, तो इसका रिफ्रेश रेट अराउंड 55 से 60 हर्ट्ज के बीच में था, जो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। लेकिन जब मैंने इसे 120 हर्ट्ज पे लॉक किया, इसका रिफ्रेश रेट तब भी 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में ही था सारा टाइम। 5 सेकंड के लिए भी ये एकदम 120 हर्ट्ज पे कांस्टेंट नहीं रहा। छोटी सी चीज है, शायद आप जब इस फोन को बाय करो और रेगुलर यूज करो तो आपको शायद पता भी ना चले। इस चीज को IQOO वाले एक छोटी सी सॉफ्टवेयर अपडेट से भी ठीक कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। HDR 10 का भी सपोर्ट है इसमें, जो एकदम बढ़िया चलता है। काफी सारे फोन जो इस रेट में मिलते हैं वो 4K 60fps HDR बहुत अटक अटक के चलाते हैं, पर ये फोन एकदम परफेक्ट चलाता है उन्हें। रेजोल्यूशन भी अच्छा है और 10-bit डिस्प्ले है, तो कलर सच में बहुत बढ़िया आते हैं इसके, एकदम पॉप आउट होते हैं, एकदम ऐसे मुंह पे आ जाएंगे। जैसे 1300 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस है, तो चाहे आप घर में बैठ के फोन चलाओ या फिर तेज धूप के नीचे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सब कुछ दिखेगा डिस्प्ले में। बस तेज धूप के नीचे अपना ग्लूकॉन डी लेके चलना। एमोलेड डिस्प्ले तो है ही, क्योंकि इस फोन के अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है ना, वो इन डिस्प्ले है और काफी फास्ट है। फेस अनलॉक का भी ऑप्शन है इसके अंदर, और इसकी एक बात बहुत बढ़िया है कि अगर मेरी आंखें बंद है या फिर मैं फोन की तरफ नहीं देख रहा, तो ये फेस अनलॉक काम नहीं करता। फोन तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप डायरेक्टली इस फोन में आंखें खोल के नहीं देख लेते। आंखें खोल के तो देखते हैं यार, मैं भी 15,000 सब्सक्राइबर्स के इंतजार में ना पागल हो चुका हूँ। इसकी बैक ग्लास की है और एक बहुत ही प्यारा कलर चेंज आता है इसके अंदर। फोन के टॉप से शुरू होता है ये व्हाइट से, और धीरे धीरे नीचे आते आते ये डार्क ब्लू में चेंज हो जाता है। एक बहुत ही प्यारा टेक्सचर भी है बैक पे, जो सुनाई देता है अगर आप रगड़ो तो। लेकिन इस फोन की ग्रिप हाथ के अंदर बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आपने इस फोन को बिना कवर के पकड़ा हुआ है ना, तो ये बहुत आसानी से स्लिप हो सकता है आपके हाथ से। क्योंकि पहली बात तो ये कि इस फोन की कर्व डिस्प्ले है, तो उंगलियां अच्छे से पकड़ नहीं पाती फोन को, और दूसरी बात ये फोन बहुत पतला है। तुम इस फोन से गाजर वगैरह तो नहीं काट सकते,
पर उबले हुए आलू तो आराम से कट जाएंगे भाई, मजाक से हटके। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर मतलब जब आपका कोई फोन वगैरह आता है और आप इस फोन को कान पे लगाते हो तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाती है, और जब आप इस फोन को अपने कान से हटाते हो तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑन हो जाती है। ये वाला सेंसर एकदम परफेक्ट काम कर रहा है IQ Z7 Pro के अंदर। काफी बार होता है कि आईको वाले अपने फोन के अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर डालना भूल जाते हैं। डायलर इसके अंदर गूगल वाला नहीं है, तो आपको जिसकी मर्जी कॉल रिकॉर्ड करनी हो एकदम बिंदास होकर करो, कोई आंटी नहीं बोलेगी पीछे से दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। IP52 की रेटिंग है इसके अंदर, जिसका मतलब ये है कि भाई मिट्टी से तो अच्छा खासा बच जाएगा ये फोन, लेकिन पानी से तो ना के बराबर सुरक्षा है। स्पीकर इस फोन के अंदर ड्यूअल नहीं है, सिंगल ही है। एक बजट गेमिंग फोन के लिए थोड़ी सी अजीब चीज है ये, पर स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, काफी लाउड है। पर अगर फुल वॉल्यूम पे कोई गाना वगैरह सुनोगे ना तो इसकी स्पीकर की आवाज फटने लग जाती है। और सच में काफी ज्यादा चुभती है वो कानों में। सिंगल स्पीकर का एक बड़ा नुकसान है कि अगर आप इसके नीचे वाले स्पीकर को कवर कर दो ना, ये बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। वाइब्रेशन मोटर भी इसकी ठीक है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर चाहे वो इसके कीबोर्ड पे टाइप करने में हो या फिर किसी और काम में। गेमिंग फोन में वैसे वाइब्रेशन मोटर थोड़ी सी बेटर डालनी चाहिए थी। पर एक बहुत महंगा फीचर है भाई इसके अंदर, जो एप्पल 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद देता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। काफी अच्छी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है इसकी, जो टाइम, आज की तारीख, फोन की बैटरी परसेंटेज और साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर की लोकेशन भी बताती है। पर अगर आपको और भी ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए इससे तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हो, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करके रखने में तो अलग ही मजा है। यूजर इंटरफेस में है फन टच OS 13, जो एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है, और जैसे ही फोन को स्विच ऑन किया ना तो एक सॉफ्टवेयर अपडेट ऑलरेडी आई हुई थी। इस फोन के अंदर 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स के साथ 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे, लेकिन फालतू के ऐप्स भी भरे पड़े हैं इसके अंदर, जैसे कि डेली हंट, हॉट एप्स, हॉट गेम्स, स्नैपचैट, जो लकीली डिलीट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ओवरऑल काफी अच्छा है। मैं पर्सनली iPhone 13 यूज करता हूँ जिससे अभी ये वीडियो शूट हो रही है, और उसके हिसाब से मुझे इसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा लगा। हाँ, शुरू में थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे थे और अटक भी काफी रहा था फोन, लेकिन जो सॉफ्टवेयर अपडेट आई हुई थी ना उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद सब कुछ एकदम चकाचक हो गया। 10 5G बैंड है इसके अंदर, और जियो के सिम के साथ इसके अंदर 5G की स्पीड बहुत बड़ी आ रही थी। और ड्यूअल सिम स्लॉट है, अगर हाइब्रिड सिम स्लॉट होता तो और अच्छा लगता, क्योंकि काफी सारे लोग 20-25 हज़ार का जो फोन लेते हैं वो एक सिम कार्ड के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड भी यूज करते हैं। बैटरी का साइज इसकी ठीक ठाक है, बहुत बड़ा नहीं है, अराउंड 35 से 40 मिनट्स लगते हैं ऐसे 0 से 100% चार्ज करने में, और अगर एक बार फुल चार्ज कर लिया ना तो ये एक दिन तो आराम से चल जाती है। पर अगर आप थोड़ी हैवी गेमिंग करते हो इसके अंदर तो दिन खत्म होने से पहले एक और बार चार्ज पे लगाना पड़ेगा। BGMI भी खेली हमने इसमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे, और आधा घंटा खेलने के बाद सिर्फ 7% बैटरी ड्रेन हुई थी। एंड्रॉइड फोन होते तो बढ़िया है यार, कुछ भी कहो। प्रोसेसर है इसके अंदर 7200, और जितना मैंने इसको टेस्ट किया 2 दिन के अंदर, ये प्रोसेसर बहुत अच्छा है। इस प्रोसेसर को जबरदस्ती ओवरक्लॉक करके कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं बनाया गया, प्रोसेसर बहुत अच्छा है, और हीट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से संभाल लिया IQ ने इस बार। थ्रॉटल टेस्ट में इसने जितना अच्छा परफॉर्म किया ना, मुझे ऑनेस्टली उतनी उम्मीद नहीं थी इससे। पर चाहे गेमिंग करनी हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो, या फिर एक नॉर्मल यूजर की तरह इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया एप्स चलाने हो, ये प्रोसेसर आपको खुश कर देगा। BGMI में ये मैक्सिमम HDR अल्ट्रा पे जाता है, लेकिन तब भी इसका जो रिफ्रेश रेट है ना वो एक्सट्रीम पे भी अराउंड 55 FPS ही रहता है। मैंने जब इस पे आधा घंटा BGMI खेली स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे तो ये थोड़ा बहुत वार्म हुआ था इसकी बैक पे, तो ओवरहीटिंग की दिक्कत तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। IQ के कुछ गेमिंग फीचर्स भी है इस फोन के अंदर, जिससे आप एकदम टूर्नामेंट की तैयारी कर सकते हो। मोशन कंट्रोल जैसे फीचर भी है इसके अंदर कि आपको लेफ्ट टिल्ट करना हो या राइट टिल्ट करना हो फोन को, तो उस टाइम में क्या क्या एक्शन परफॉर्म करे, इस चीज को भी आप बिल्कुल अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, और ये चीज काफी ज्यादा एक्यूरेट भी है। तो 25,000 के नीचे ये फोन किसे लेना चाहिए, गेमर्स को भी और नॉर्मल यूजर्स को भी, क्योंकि कोई खास कमी नहीं है इस फोन के अंदर। हाँ, लेकिन जो लोग कैमरा के लिए थोड़े ज्यादा इमोशनल होते हैं वो इसको छोड़ के और भी काफी सारे बेटर ऑप्शंस की तरफ देख सकते हैं इस रेंज में, जैसे उसने मुझे छोड़कर बेटर ऑप्शंस देखे थे। बाकी अगर आपको 25,000 रुपए खर्च करके ये वाला फोन नहीं लेना लेकिन iPhone लेना है तो ये वाली वीडियो देख लो।